समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। दरअसल बीते 2-3 सालों से अखिलेश और मुलायम के रिश्तों में दरकन महसूस की जा रही है और बीते साल शिवपाल सिंह यादव के अलग पार्टी बनाने पर मुलायम और अखिलेश के बीच संबंधों में तल्खी की बातें सामने आ रही थी। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर इस बात पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि क्या वो समाजवादी पार्टी के लिए इस बार प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उनके हालिया बयान पर अगर गौर किया जाए तो अब उन सभी सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुलायम सिंह लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व एक नौजवान कर रहा है, पार्टी में नौजवानों की संख्या भी ज्यादा है, यानी कि मुलायम सिंह को अखिलेश के नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं है। साथ ही वो जिस तरह से जोश में नजर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वो इस बार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ ही उन्हें सपा बसपा के गठजोड़ से भी कोई दिक्कत नहीं है। बताते चले आपको, मुलायम सिंह यादव ने ये बयान उस बात पर दिया है जो कि उन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया। मुलायम सिंह ने कहा कि संसदीय परंपरा शुभकामनाएं दी तो लोगों ने अलग मायने ही निकाल लिए उनके बयान के। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।